Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. साल 2015 में आई फिल्म मसान के साथ ही विकी कौशल ने अपने एक्टिंग का लोहा मनवा लिया था। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, ऋचा चड्ढा, श्वेता त्रिपाठी जैसे सितारे नजर आए थे। इस फिल्म के साथ ही नीरज घेवान ने अपने फिल्मी करियर की पहली फिल्म का निर्देशन किया था। इस फिल्म के 4 साल पूरे होने पर विकी ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। विकी ने ये भी बताया कि उन्होंने इस फिल्म के साथ ही एक महत्वपूर्ण पाठ भी सीखा था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर घाट की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि मसान की शूटिंग से पहले तक मैं बनारस के मणिकर्णिका घाट पर घंटों तक बैठा रहता था और लाशों को जलते देखता रहता था। काला, गोरा, सुंदर, बदसूरत, अमीर, गरीब, मोटा, पतला, हर तरीके का इंसान केवल एक ही चीज में तब्दील हो रहा था और वो चीज थी राख। लोग चले जाते हैं और उनके लिए किए गए काम ही सिर्फ याद रह पाते हैं। जिंदगी का ये बेहद महत्वपूर्ण पाठ मुझे उस दिन सीखने को मिला था। गौरतलब है कि इस फिल्म में विकी ने दीपक नाम के लोअर क्लास लड़के का किरदार निभाया था जो बनारस के घाट पर काम करता है। ये विकी कौशल की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने लीड रोल निभाया था। इससे पहले वो बॉम्बे वेलवेट, लव शोते, चिकन खुराना जैसी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिका निभा चुके थे। उन्होंने इससे पहले अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया था। हालांकि राजी, उरी और संजू जैसे फिल्मों के साथ ही वो अपने आप को बॉलीवुड में स्थापित करने में कामयाब हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।